हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज ये टाइम अच्छा है मैं होम टूर देने के लिए, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, क्योंकि मेरे चाचू और दादी सब, मतलब जितने भी घर में थे सब ऑलमोस्ट तो बाहर गए हुए मंदिर वगैरह। सो मैंने सोचा इतना अच्छा टाइम है तो अपने घर का टूर दे देता हूँ। सो ये जो घर है वो 70 ईयर्स पुराना घर है मेरा, एंड मतलब अप्रोक्स 70 ईयर्स ही है, क्योंकि दादा से पूछा तो 70 ईयर्स था। सो बस लेट्स स्टार्ट करते हैं। गेट के बाहर जाता हूँ, पहले गेट के बाहर का दिखाता हूँ, फिर घर के अंदर चले जाते हैं। और ऐसे बोलते हैं वाइड कम है, पर लेंथ जो होती है बहुत बड़ा है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, इंजॉय। बाय। ये एंटर करते ही आपको लुक दिखने मिलेगा, एंड एक रूम वहाँ है, एक रूम वहाँ है, एंड ये जो स्पेस है आपको दिख रही है वो यहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, मुझे पता नहीं कारण। एंड यहाँ पे ये स्पेस जो है, यहाँ पे एक खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पे टंकी है पानी की। सो अभी ताला लगा हुआ है। सो चलो, यहाँ पे दोनों रूम जो है वो बंद है अभी, क्योंकि जो रूम के ओनर है वो बाहर गए हुए हैं इसीलिए। सो ये रहा, ये जो आपको फोटो पे डाल दूंगा वीडियो, सो ये वीडियो देख लेना, आपको पूरा रूम दिख जाएगा। सो ये पहले पर दादाजी का हुआ करता था, फिर मम्मी के पास आया, मतलब मम्मी पापा के पास, और अभी पता नहीं। सो एक ये गेट और एक ये मेन गेट। सो अभी ये जो देख रहे हो जगह, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, मैं वहां से आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा मैं। सो चलो, एंड यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये सब ऐसी चीज़ें पड़ी, झाड़ू लोखंड की चीज़ें। सो एक ये रूम है, ये रूम भी थोड़ा सा वाइड है पर लेंथ बहुत बड़ा है। तो ये रूम भी जब कोई वो दादाजी आते हैं तो वो खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता। सो चलो ऊपर चलते हैं। और एक ये स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे पहले मिट्टी हुआ करती थी, पूरी टाइल्स नहीं थी, पूरी मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी मैं बाद में बताऊँगा। सो ये नैन ये मोटर पानी जाने के लिए। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे भी स्टेज आती के, सो यहाँ पे भी कुछ स्पेस है बैठने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस है बैठने के लिए। सो यहाँ पे फर्क इतना है कि वो जो देख लीजिए आगे, यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, और ये नहाने का गीजर है। सो यहाँ पे भी कुछ स्पेस है ऐसे बालकनी टाइप, यहाँ पे लेडीज वॉशरूम है तो उस साइड से खुलता है, पहले यहाँ से खुलता था बट वहाँ से भी खुलता है, दोनों अंदर से बंद है। सो पीछे से दिखाऊंगा मैं। और एक ये स्पेस है, तो यहाँ पे ये टोटली एक बाथरूम वगैरह, ये इंडियन और ये वेस्टर्न, और ये वॉश बेसिन, यानी यहाँ से कुछ ऐसा लुक। ओके, वो भी सेम ही है घर आप देखोगे तो, वो भी मेरी बुआ का, ये जो सूरत में रहती है, वो भी जब आता तभी खुलता है। सो लेट्स गो। वैसे वो भी गेट है पर वो गेट बंद है बहुत टाइम से, पता नहीं क्यों। सो ये मेन गेट है, इस उस मेन गेट है, तो ये बस ऐसे ही दो दो गेट खुल रहे हैं। और ये सो ये टीवी रूम अपने, सो ये टीवी रूम, लिविंग रूम बोल सकते हैं, टीवी वगैरह बस। सो चलो अब वापस उस गेट से चलते, लाइट ऑफ कर देते। सो लेट्स एंड मेन, तो यहाँ पर भी स्पेस है, वो हो गया कोई नहीं गया थी। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, तो एक रूम हुआ है, एक रूम यहाँ। सो ये मंदिर, एक रूम टीवी रूम, एक सेकंड रूम मंदिर, सो अभी फ्रिज एरिया। एक और गेट है, सो यहाँ पे लेट मी ऑन द लाइट। सो यहाँ पे भी स्टोरेज ही है, मतलब सब खाने पीने का सामान,
देखते हैं कि सामान गिरी। एक यहाँ पे भी है कुछ स्पेस खाने पीने का, सिलेंडर वगैरह, एंड यहाँ पे साबुन वगैरह ये सब रखते हैं वो, एंड यहाँ पे कुछ हुक भी है जो कपड़े टांग सकते हैं। सो ये बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर आते हैं तो दो रास्ते, एक यहाँ और एक यहाँ। कपड़े सूख रहे, प्लीज इग्नोर इट। ये है पूरा छत, छत पे मैंने वर्कआउट किया था, वो भी देख सकते हो, स्क्रीन पर डाल दूंगा मैं। एक छत यहाँ है एंड एक छत यहाँ है ये। ये एक और गेट है जो किचन से जाता है नीचे, तो ये भी बहुत टाइम से बंद पड़ा है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस है, मटकी होगी शायद, पहले तो यहाँ पे वो पतंग वगैरह होती थी, लटाई वगैरह फिरकी, अभी तो ये मटके मटके पड़े। ये टंकी है जो पानी से कनेक्ट, मतलब किचन के लिए, एंड अच्छा हाँ ये तो बताया नहीं मैंने, ये थोड़ा ऐसे एक बार दिखा देता हूँ, अब समझ लो क्या था। ये एक बस वॉशरूम समझ लो, सुसु खाली सुसु, ओके। यहाँ पे हाथ मुंह धोने के लिए ऐसे, ये बैठने के लिए माचा, और ये दो टंकी जो यहाँ वॉशरूम से कनेक्टेड होती है, तो बाथरूम और वॉशरूम के लिए दो टंकी। तो यहाँ पे ये स्पेस इतना था, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्पेस है जो मैं, हम यहाँ पे आते रहते हैं, तो यहाँ पे गोमेश पूरी सूट के सटेजी, मतलब जो भी बोलते हैं यहाँ पे रखते हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ स्पेस है जो बस कुछ ऐसे पड़े वैसे ही। मुझे यहाँ पे देखो, ये देखो एकदम सेम है सब, इसके अंदर चलते हैं। रुको, इसकी चाबी है क्योंकि अपना ही रूम है, तो मैं खोल के मिलता हूँ। ये तुम्हारा भाई का रूम, लाइट ऑन ही है, ओके। तो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट इट्स ओके, अच्छा है। ये अलमारी, यहाँ पे जितने भी सब देख रहे हो ना, ये मतलब ये लकड़ी, मतलब गेट, वो गेट लोखंड के, टाइल्स, पेंट, वॉट एवर, जो भी देख रहे हो ना, ये सब जो भी, मतलब कुछ भी, सब बहुत पुराना, मतलब बहुत एकदम बोल रहे हैं कम से कम 50-60-70 पुराना है। प्लीज इग्नोर मी, मैं तीन ही सुनाया नहीं। इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ओके। ये है इट्स माय फादर, माय ग्रैंडमा, आई डोंट नो ये कौन है। मेरे दादाजी की फोटो कहाँ गई है, ये मेरे दादाजी है, दादी, तो समझ सकते हो ये सब भी दादा दादी की जब शादी हुई थी तब ये सब उस टाइम का, तो अभी दादाजी की शादी मतलब मेरे को, मेरे हिसाब से 50 साल तो हो गए होंगे। तो ये तब का इतना सब, ये डब्बे, ये जो भी क्या बोलते हैं शोपीस, ये सब, इसमें परफ्यूम भी एक खाली है बट स्टिल यहाँ पे है। एंड ये जो भी है सभी छोटी छोटी चीज़ें सब बहुत उतनी टाइम की पुरानी कार्ड्स। सो दैट्स, चलो अब ये अलमारी, ये दादी की अलमारी, खुश के भी कपड़े मिक्स, और ये तुम्हारे भाई की अलमारी। चलो नीचे चलते हैं, नीचे दिखाता हूँ मैं। ये देखो स्विच भी देखो कितने यूनिक, और ये देखो मैं बोला था आपको वर्कआउट का देखना, तो आप जाके देख सकते हो। एंड ये दिखते हैं ऊपर से ऐसा व्यू, वो भी हमारे ही घर है, एंड वो गेट कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, कोई भी बीच में ऐसा नहीं है कि भाई दीवार है। ये भी हमारे घर है, ये भी हमारे घर, मतलब जो आपको दिखाया था, इससे पीछे भी एक हमारा घर है,
एक वहाँ पे भी है, मतलब बहुत टाइम वो पुराना है, बहुत साल पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो ये पूरा बैक यार्ड है, तो यहाँ पे भी चलेंगे, नीचे जाके दिखाता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। एक ये रूम मैसी है, मैंने बिखरा हुआ है, तो प्लीज इग्नोर इट, स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे भी है, तो ये आप गैस करो क्या है, जब तक मैं खोलता हूँ इसको। दे रहा होगा, अब लाइट आ गई। चलो नीचे, एक छोटी सी लाइट है यार, सॉरी यार, सुबह और बड़ी लाइट करता हूँ। यहाँ पर भी छोटी लाइट है, बड़ी लाइट कहाँ गई, एक मिनट ऑन करके आता हूँ। ओके मिल गई, इतनी बड़ी तो बहुत है। सो यहाँ पे क्या है, मेरे को भी याद नहीं। यहाँ पे सब तकिया वगैरह है, यहाँ पे अटैची वगैरह है, ये छोटी छोटी अलमारी है, इसके अंदर सामान होंगे, ये संदूक है यहाँ पे, क्या पता क्या है संदूक में। तो यहाँ पे भी एक सेकंड, आपको यार अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट पूरा बोल देना कबाड़ खाना है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। सो यस, ये सब आई होप आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल हो, और आपको जो जो चीज़ें देख रहे हो उससे आप इमेज कर लो ये क्या हो सकता है। अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड में कबाड़ खाना है सर। चलो अभी नीचे लाइट तो बंद करना भूल गया। सो ये नेक्स्ट रूम, लेट मी ऑन द लाइट वंस दिस स्विच। ओके, सो ये तिजोरी मैंने, जब मैं यहाँ पे कम लास्ट बहुत टाइम से आ रहा हूँ, लास्ट मतलब 4-5 साल से, बट ये कभी मैंने खोली हुई नहीं देखी। मैं बहुत आले, एक दो नीचे दो तीन एक और है। तो यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह मतलब सोने के लिए, यहाँ पे कुछ स्पेस, भगवान जी की फ़ोटो, ये जो आपने इंस्टा में स्टोरी देखी होगी योगिता की, उसकी एक कबर्ड है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, ऐसे दिखता है कुछ ऐसा व्यू। यहाँ पे जाएंगे अभी, थोड़ा सा बाकी है। एक यहाँ पे भी आई लाइट कहाँ गई, ओके सो यहाँ पे भी एक गेट है यहाँ जाने के लिए। अब ये हो गया पूरा यहाँ का, सब यहाँ चलते हैं। ये मेरी परदादी, क्लियर नहीं है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूंगा, परदादा जी। सो एक ये रूम है, परदादा जी सो, इसलिए अलाउड जा नहीं सकता मैं अभी। सो यहाँ पे स्पेस है किचन की भी, वाटर एरिया, वॉश बेसिन, एंड ये जो स्टेयर्स थी मैंने बोला था ऊपर जाने के लिए, सेकंड स्टेयर छत के लिए, किचन। बाथरूम जो मैंने बोला था अंदर से बंद। सो ये हो गया पूरा घर खत्म, अब चलते हो पीछे। मैनम आई लाइक दिस प्लेस। अगर आपके कजिन भाई बहन आते हैं तो यहाँ बैठ के खेलो, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, रात को बैठ के मौज मस्ती मार सकते हैं। सो ये मिट्टी की मैं बात कर रहा था जो मैंने वहाँ पे बोली थी। तो यहाँ पे गाय हो करती थी, अब गाय पता नहीं कहाँ गई और किस लिए चली गई मुझे वो भी पता नहीं है। सो यहाँ पे गाय हुआ करती थी, एंड ये खुला है तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। बहुत आवाज़ आएगी, बहुत 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 निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे चक्की। सो यहाँ पे भी एक टंकी है, पता नहीं कुछ स्पेस है, और ये भी लकड़ी हो गए,
वही मैंने आपको बताया था ना, किचन में जो चूल्हा था छोटा सा, उसके अंदर ही डाल के फिर वो बाजरे की रोटी या स्वीट पोटैटो अपने बनाते, वो सब से ताला लगा यहाँ पे, गाय का खाना हुआ करता था। अच्छा, यहीं खुला पड़ा है। सो ये ऐसा दिखता है। सो यहाँ पे बंद है, गाय का खाना हुआ करता था, ये भी खाने का ही था, इसमें भी अभी पता नहीं क्या है अंदर, बिल्कुल लोखंड ही लोखंड है अंदर। सो ये भी घर हमारा ही था, बट अभी यहाँ पे कोई है नहीं, और अभी आएंगे तो वापस तब आपको मैं दिखाऊंगा। सो ऊपर चल के देखते। ये व्यू ऊपर से, ये किसी और का घर आ जाएगा अपने निकलते। सो ये पता नहीं क्या है, किस लिए डाला गया यहाँ पे, और कुछ बच्चा। अच्छा हाँ, नीचे चलो, नीचे वो गली पता नहीं क्या, आपको वो भी बताता हूँ। सो यहाँ से पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, अब देखा मैं बोला था वाइट आपको कम दिख रहा होगा, पर लेंथ बहुत है इतना। सो चलो नीचे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो सॉरी फॉर डैट, आपको मज़ा आ रही होगी घर देखने में। यहाँ पे लाइट कम है ना, दिक्कत होगी, यहाँ पे बल्ब भी नहीं है। सो यहाँ पे गाय के जो बछड़े या गाय के बच्चे होते वो रहते थे यहाँ पे। सो ये आपको दिख रहा नहीं क्या है, ये जो गाय का जो गोबर होता है, जो पट 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 करके दीवार पे चिपते हैं, बाद में वो ये ऐसा हो जाता है वो। सो यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, अंधेरा अंधेरा ही, आपको कुछ दिखेगा नहीं। सो लेट्स गो आउट। सो यहाँ पे भी ताला है, यहाँ पे भी सर पहले यहाँ चक्की हुआ करती थी, सो वो वहाँ पर चली गई। सो ये गेट भी बंद है, अंधेरा है, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। शिट यार, क्या करूँ। सो यहाँ पे ऐसे तो एम्प्टी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट यहाँ पे गाय के जो बछड़े होते वो रहते थे। यहाँ पे एक दो गेट है, वो सारे बंद पड़े, उसके अंदर क्या है मुझे आइडिया नहीं है। सो ये दूसरा गेट, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ दो तीन गेट है, गेट के अंदर क्या है मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं कभी। तो यहाँ पे पूरा एरिया था गाय का बच्चे, मतलब बच्चे रहते थे यहाँ पे। सो ये ऊपर जाली, यहाँ पे पहले आपको दिखा था बालकनी, वो ये दूसरा गेट है, और ये गेट ऐसा बंद कर सकते करना हो तो। सो खत्म। सो यस, ये था मेरा पूरा घर। सो मैं ये बोल रहा था, बैठ के बात करता, मैं थक गया। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया होगा, 17 या 20 मिनट का भी बन गया होगा, मुझे पता नहीं। सो आपको अच्छा लगा हो ये मेरा घर, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक। ऐसे एक 100 साल पुराना घर भी है, एक पीछे घर भी है, एक बाजू में भी घर है। तो ऐसे आपको अगर देखने तो मुझे बताना, मैं जाते जाते आपके लिए डाल दूँगा वो। सो बस दैट्स इट, एंड पूरा देखा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी मार सकते हो, आपकी इच्छा, बट कमेंट कर देना जैसा भी मेरा घर लगा आपको। और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, कर देना कमेंट।